शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से हम चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। अभय बेटा, आराम से बैठ के बात करो। वाह, लगता है तुम्हारे दिल की पुकार काफी तेज है। जहां देखो कुछ ना कुछ बहाना देकर टपक ही जाता है। वहां सानवी को किताबें देने के बहाने से और अब यहाँ कोई नया बहाना है या वही पुराना? जो भी हो, नया पुराना मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा। पर अगर तुम्हें ऐसे ही उल्टे तरीके से सोचना है तो मेरा कुछ भी जवाब देना उसमें कुछ फायदा नहीं होगा। पर मोहित, तुम सानवी से मिलने वहां क्यों गए थे? क्योंकि वो अपनी कलरिंग बुक्स यहाँ भूल गई थी। दिन हो या शाम, वो आधा घंटा अपनी कलरिंग बुक्स में कलर करती है। उसे कलर करना बहुत पसंद है। माफ करना, मैं अचानक से तुमसे बिना पूछे वहां चला गया। अब शायद मेरा यहाँ रहना भी ठीक नहीं होगा। अरे मोहित बेटा, चाय। सिया, सिया। पापा। थैंक यू पापा, आप मुझे लेने आए। मुझे पता था कि पापा ने अपने परी को जल्दी से वापस बुला लेंगे। और देखो ना पापा, इनका घर भी कितना छोटा है, अपने घर से भी छोटा है इनका। बेटा बस एक हफ्ते की बात है, फिर पापा अपनी से प्यारी परी को खुदाएंगे और लेकर जाएंगे यहाँ से। बस तब तक आपको यहाँ रहना होगा, वरना जिंदगी भर ताना सुनने को मिलेगा कि मैंने मौका नहीं दिया। और आपके लिए भी अच्छा है ना, आप सबको दिखा दो कि आप सबसे अच्छी बच्ची हैं। पापा, आप मुझे लेने नहीं आए हो? अब तो मैं आपकी परी नहीं हूँ। आप मुझसे भी प्यार नहीं करते हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। गंदे आप, गंदे पापा। नहीं नहीं बेटा, बेटा बेटा सिया, बेटा, अरे बेटा बेटा ऐसा, अरे बेटा आप तो ऐसा कभी नहीं करते हो। आप तो गुड गर्ल हो ना, आप तो ऐसे चिल्लाते भी नहीं हो। फिर आज ये बात आप भी जानते हैं ना अभी, कि आज पहली बार नहीं हो रहा है। सिया बेटा, बेटा ऐसा मत करो, कल में तुमको लगेगा कि पापा की गलती है सारी। अच्छे बच्चे हो ना, ऐसा मत करो। नहीं सुनिए मुझे, आपके बात करना हो। बोलो सोनिया। हमें वो क्लाइंट से दूसरी मीटिंग मिल गई है, पर वो हमसे आधे घंटे में मिलना चाहते हैं। आधे घंटे में? सोनिया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आधे घंटे में मीटिंग क्यों फिक्स की तुमने? अरे अभी तक प्रेजेंटेशन भी तैयार नहीं है, कैसे होगा सब काम? अब है, मैंने सब कुछ देख लिया है और उन्हें भेज भी दिया है। ऑनलाइन मीटिंग है, तुम बस जल्दी से आ जाओ। कुछ अकेले कैसे संभालूंगा? आपने सिया को साइड किया है ना, अब गंदे पापा की मीटिंग भी गंदी होगी। नहीं बेटा, सिया वो सिया ऐसा करती नहीं है। पता नहीं आज अचानक क्या हो गया उसे। मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि अचानक से इसे आज क्या हो गया। जानते हैं आज अचानक क्या हुआ? आपने सिया को ना कहा, और सिया को किसी चीज के लिए भी ना सुनने की आदत नहीं, किसी से भी नहीं, आपसे भी नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यही सोचकर मैं इसे यहाँ पर लेके आई हूँ। मेरे लिए भी ये आसान नहीं है, पर कोशिश कर रही हूँ कि हमारी बेटी थोड़ा सुधर जाए। वो मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। मुझे आने में देर होगी ना। सुनिए मैंने तुम्हें पहले ही बोला था मीटिंग मत रखो, अब देखो ना। शांत हो जाओ अभय, मीटिंग भी हो गई है,
रिप्रेजेंटेशन भी पसंद आया है और डील पक्की भी हो गई है। क्या? पर कैसे? अभी हमारा प्रेजेंटेशन तो आधा ही बना था। मैंने उन्हें हमारा पुराना वाला ही प्रेजेंटेशन भेज दिया था। पर वो तो मेरे लैपटॉप में थी ना, और लैपटॉप तो खराब हो गया था पानी गिरने से। तो चल रहा है, ये तुमने ठीक करवाया? ये कमाल है हमारी नन्ही सी जादू की छड़ी का, सानवी का। तुम्हें पता है अबे, हमारी सानवी ना जैसे झांसे की रानी बन गई हो। दुकानदार के सामने ऐसे खड़ी हो गई कि जब तक उसके पापा का लैपटॉप ठीक नहीं हो जाता वो वहाँ से हिलेगी भी नहीं। बिल्कुल तुम पर गई है, एकदम जिद्दी। पर मुझे तो उसमें बिल्कुल श्रद्धा की झलक दिखती। कैसे श्रद्धा सब कुछ ठीक कर देती थी ना। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। थैंक यू माता रानी, पापा का काम अच्छा हो गया, मैं बहुत हैप्पी हूँ। और पापा का काम कभी ना अटके, और वो भी हमेशा खुश रहे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। थैंक यू माता रानी, अभय का काम बहुत अच्छा हो गया। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि अब आने वाले समय में अभय का कोई भी काम ना अटके, वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। सिया बेटा, अभी तो काफी काम बाकी है और इसे हमें आज ही खत्म करना पड़ेगा। चलो शुरू करो। लेकिन मेरे लिखते लिखते हाथ दुखने लगे हैं। या बेटा, अच्छा ठीक है, आप आज यहाँ तक पूरा कर लो, बाकी का होमवर्क हम कल करेंगे। चलो शाबाश। हाँ भाई बोलिए। कल हम मिल सकते हैं क्या? क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? वो कल हम शाम को बच्चों के साथ आइसक्रीम खाने जा सकते हैं क्या? आइसक्रीम? अब पर अचानक? अब मैं देखना चाह रहा था कि दोनों बच्चे एक साथ कैसे हैं और इतने दिनों में क्या क्या सीखा उन्होंने। क्यों नहीं अब है? अब तो फिर ऐसा करते हैं ना कि आइसक्रीम के बाद शाम का खाना भी हम बाहर ही खा लें। हाँ ठीक है। ठीक है अब है। कहीं पापा हमारे साथ में होंगे? हाँ पापा और सानवी दोनों मिलेंगे हमें। या बेटा, बेटा क्या हो गया है? ये ठीक नहीं हो रहा, हमारे रहते ये दोनों फिर से एक नहीं हो सकते।
वो खाने के लिए सानवी को भी बुला लेते। अरे जैसे हम उसकी हरकतों को नहीं जानते हैं। अरे वो जानबूझ के ये सब कर रही है ताकि लोग अंदर जाएं, गिड़गिड़ाएं, प्यार से उसको बाहर लाएं, तब वो आएगी। अरे सब नाटक है उसका। वैसे तुम्हें कहाँ इतनी फिक्र हो रही है उसकी भाई? छोटी बच्ची है मम्मी, थोड़ा तो सोच के बोलिए। और वैसे भी मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। गलती तो सारी कीर्ति की थी, पर मैंने बिना सोचे समझे पता नहीं क्या क्या कह दिया उस बच्ची को। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो। दफ्तर के लिए तैयार होना है और रात का खाना मैं खाकर आऊंगा। क्या बाहर खाना खाओगे तुम? अरे पर ये अचानक क्या हो गया? अरे मम्मी अब मैं बच्चा नहीं रहा, अपने खाने का खुद देख सकता हूँ। और अब आपने पूछ ही लिया तो आपको बता दूं, रात का खाना मैं और श्रद्धा बच्चों के साथ बाहर करेंगे। अब लो बताओ, इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है? वैसे हमें ये नहीं पता कि ये बात जान के और कौन कौन खुश हुए, लेकिन हम तो बहुत ही ज्यादा खुश हुए। अब देखिए ना, सानवी की अच्छाई की वजह से अभय में देखिए बदलाव नजर आ रहा है। बस वैसे ही सिया का मन भी पिघल जाए अपनी माँ के लिए और वो थोड़ी सुधर जाए। अभय पायल की परछाई के लिए कभी नहीं पिघलेगा। भाभी क्या कर रही हैं आप? आपको याद नहीं श्रद्धा ने क्या कहा था? क्यों अपनी बहू से दोबारा डांट खाने पर तुली हुई है आप उस गायन का नाम लेकर? ऋतु हम श्रद्धा से नहीं डरते हैं। यही गलती कर रही हैं आप। पिछली बार भी आप अपनी अकड़ की वजह से श्रद्धा से भिड़ गई थी, और फिर याद है ना आखिर में आपको ही जीतना पड़ा। और वैसे भी इस बार आपके सामने बहू नहीं एक माँ है। ऋतु आपको ना जो सोचना है सोच लीजिए, पर हम किसी से नहीं डरते हैं, चाहे वो बहू हो या माँ। हाँ हाँ वैसे भी आप ठीक ही कह रही है, डर तो होगा भी क्या। अब देखिए ना माँ बाप और बच्चे तो एक साथ मिल रहे हैं, परिवार जुड़ रहा है, अब इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है ना? हाँ मोहित, सोचा सारे ऑर्डर्स पहले ही बना के तैयार कर लूं, वो शाम को अभय और बच्चों के साथ खाने और आइसक्रीम खाने के लिए जाना है। अब बाकी जो भी है एक बार तुम देख लेना। चलो ठीक है। अचानक से यहाँ पे, और ये बैग किसका है? अब सिया का है दीदू, सिया ने कुछ सामान मंगवाया। पर अगर सिया को कुछ चाहिए होता तो वो मुझे बता देती, मुझे तो उसने कुछ भी नहीं कहा। सिया ऐसी ही है, और हमें क्या पता, हमें बोला सामान लाने को तो हम मना नहीं कर सकते ना। पर फिर भी कीर्ति अगर सिया को कुछ भी पर सिया को शायद आपके साथ यहाँ अच्छा लग रहा हो इसीलिए। या फिर ये भी हो सकता है कि आज के प्लान के बारे में सुनकर वो बहुत खुश हो गई हो और हमारे साथ अच्छे से रहना चाहती हो। हाँ शायद ये हो सकता है। अब बच्चों का क्या है रीदू, आपको तो पता है उनके मन का हो तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। हाँ ये भी बात है। चल कोई बात नहीं, मैं उसका सामान दे देती हूँ। नहीं नहीं दीदी हम दे देंगे ना। अच्छा दीदू अगर आप हमसे नाराज नहीं हैं तो हमारे लिए अच्छी सी चाय बनाएंगे? तुझे पता है कीर्ति, मैं जानती हूँ कि तू बचपन से ऐसे ही है, इसीलिए तो मैं तुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाती। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर मैं तुझसे ज़्यादा वक्त नाराज़ नहीं रहती
तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू सुधरेगी भी नहीं। कीर्ति कोशिश करके देखना, तुझे खुद को भी अच्छा लगेगा। अच्छा मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ, तब तक तू ये सामान भी रख दे। अभी आई। ताई जी आप ये क्या लाए हो? आपका सामान है। ताई जी क्यों लेके आई हूँ ये सब? क्योंकि आपकी मम्मी ने कहा है कि अब आप यही रहेंगी हमेशा के लिए। नहीं, मेरे पापा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि एक हफ्ते के बाद पापा मुझे आके यहाँ से ले जाएंगे। सिया, आपके पापा ना सानवी को पसंद करने लगे हैं, और हमें नहीं लगता कि आपके पापा अपनी परी को वापस ले जाना चाहते हैं। मुझे मेरे पापा से बात करनी है अभी। कियारा, सानवी को ये चॉकलेट देके सॉरी बोल दीजिएगा। कुछ भी गलत नहीं किया है। कियारा बेटा, अब गलती आपसे हुई है तो माफी भी तो आप ही को मांगनी पड़ेगी ना, है ना? कियारा, हम ना आपको डॉल का मेकअप सेट दिलाएंगे, वो जो हमने मॉल में देखा था, तो हम जो कहते हैं आप वही करोगे। अरे ये सब आपने बनाई है? पर आपको सबके नाम कैसे पता? वो मम्मी मुझे हर रोज आप सबके बारे में बताती थी, ऐसा लगता था कि आप सबके साथ ही रह रही हो। हाँ मेरी परी, कैसी है? देखो सानवी ने कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं। ये डैडी और मम्मी, ये सानवी, अच्छा है ना? इसमें हमारी पूरी फैमिली एक साथ है। आज बहुत गर्व हो रहा है आप पे, एकदम सही जा रही हैं आप कियारा। वहाँ अब है सानवी की ये पेंटिंग देख के भावुक हो जाएगा, और यहाँ सिया का गुस्सा बढ़ता जाएगा। सानवी मेरे पापा के साथ मेरे बेड पे क्यों बैठी है? वो मेरा बेड है ना। सिया, हमें ना आपकी बहुत याद आती थी, पर हमें ये सुनके बहुत बुरा लगा कि आपकी मम्मा आपको हॉस्टल भेज रही हैं। हॉस्टल? कीर्ति चाय। दीदू आपको याद है आपकी वो फ्रेंड प्रिया जिसके 8 साल का बच्चा था, बड़ा शरारती था। प्रिया दी तो बिल्कुल परेशान हो जाती थी उससे। हाँ जानती हूँ। प्रिया दी ने ना उसे हॉस्टल में डाल दिया। पता नहीं ये करना सही था या गलत। पता है क्या कीर्ति, कभी कभी जब बच्चे प्यासे ना समझे ना तो ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ जाते हैं। पर हम तो कियारा को कभी नहीं भेजेंगे हॉस्टल। कीर्ति अनुशासन भी तो जरूरी होता है ना, माँ बाप के लिए भी ये आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, पर बच्चों के भलाई के लिए कभी कभी ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ जाते हैं। और हम जो करने आए थे हमने कर दिया। चाय पीना कीर्ति? हाँ। दीदू आपको पता ना हमें ज्यादा मीठी चाय पसंद है, ये तो फीका है। कोई बात नहीं, तेरे लिए और चीनी डालकर लाती हूँ। देखा ना सिया, हमने आपकी मम्मी को कितना समझाने की कोशिश की, पर हमें नहीं लगता कि वो अपना फैसला बदलेंगे। अरे
वही फ्रॉक देखिए, आपके पापा ने भेजा है आपके लिए। और सेम फ्रॉक ना उन्होंने सानी के लिए भी खरीदी है। सेम सेम। बेटा आपको वहाँ पापा के साथ अच्छा लग रहा है ना? हाँ मम्मा, आज पापा तो मेरे साथ खेले भी, जहाँ पे सब मेरी बहुत केयर करते हैं। इन्हें तो हम हर बात पे गलत लगने लगे हैं जब से वो मनहूस इस घर में आई है। बेटा दादी को ना कभी कभी थोड़ा नहीं, नहीं मम्मा, दादी तो बहुत अच्छी है। श्रद्धा, तुमने अपनी सारी अच्छी बातें ना सानवी में कूट कूट कर डाल दी है। बस तुम सिया को भी ये सब सिखा दो। तुम्हें याद है ना श्रद्धा, पहले अभय कितना जिद्दी और गुस्सेल था जब तुम उसे पहली बार मिली थी, लेकिन तुम उसे अपने प्यार से सही रास्ते पर ले आई। तुम सिया के साथ भी यही करना। जी बुआ जी। कभी कभी जब बच्चे प्यार से ना समझे ना तो ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ जाते हैं। माता रानी, अब आगे सब ऐसे ही अच्छा होता रहे, अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिए। हेलो, आप सानवी को लेकर आज घर ही आ सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, हम घर ही आ जाएंगे। ठीक है, हम जानते थे कुछ न कुछ बहाना बना के अपने घर बुला ले, और यही सब उस मनहूस को भी सिखा के आप भेज दिए। मम्मी कभी कभार ना आपको ज्यादा ही बोल जाती है। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी पोती से मिलने जा रहा हूँ और उसे भी कोई खेलने के लिए मिल जाएगा। अरे वाह, हम तो सोच रहे थे कि कैसे आपको जाने से रोके, पर अब जब आप हमारे घर ही जा रहे हैं तो ये तो और अच्छा हो गया। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।